नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार पैरामेडिकल 2022 का फॉर्म 27 अप्रैल को आने वाला है। चलिए, क्या है फॉर्म डेट, एग्ज़ाम डेट, कब तक आपको फॉर्म फिल कर लेनी है, सारा डेट रिलीज हो चुका है। उससे पहले एक और जानकारी दे दूँ, अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैयारी बायोवर्ल्ड के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, डेली नोट्स, प्लस में वेरियस टीचर के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर से हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग डॉट्स को क्लियर करवाए जाएंगे, ताकि आपका तैयारी हो बेहतर और आप भी बायोवर्ल्ड से 2021 के तरह रिजल्ट दे सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अगर आप बिहार BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर आपको फॉर्म के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप गूगल पर जाओगे तो वहाँ पर चलिए सर्च करके देखिए, आपको डेट सारी दिखा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं बिहार पैरामेडिकल 2022 फॉर्म। इनमें से जैसे ही किसी एक लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसे डेट आ जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन जो है 27 अप्रैल दिया हुआ है, ऑनलाइन एडिटिंग का जो है 24 मई दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया गया है 16-17 जून। तो दोस्तों, ये सारी डेट्स जो दी गई हुई है ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, क्योंकि कई बार मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को कि YouTube पर वीडियो बना करके डाला जाता है और Google पर लिखा जाता है। ठीक है, और ये लिखने का काम कौन करते हैं, तो कुछ टीचर्स के अपने जो है वेबसाइट होते हैं या कुछ जो है वेबसाइट वाले लोग होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यूट्यूब पर क्लास लेते हैं तो वैसे ही कुछ लोग जो है अपना जानकारी जो है गूगल पर लिख करके देते हैं, ये गूगल का ऑफिशियल नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इस गलत नोटिफिकेशन के चक्कर में मत रहिए। एग्ज़ाम जो है कभी भी इतना उम्मीद रखिए अगस्त के बाद ही होगी, अगस्त से पहले नहीं होगी, और आपका फॉर्म जो है वो मई के बाद आएगी। मई से पहले आने की कोई चांस नहीं, क्योंकि पहले ही फॉर्म निकाल करके अब जो है बिहार बोर्ड जो है पैटर्न चेंज नहीं करेगी, क्योंकि दो बार से आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीने पहले फॉर्म निकल रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस बार भी, तो आप लोग इन सभी नोटिस पर ध्यान मत दीजिए ताकि आपका स्टडी डिस्टर्ब हो। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आप भी तो वीडियो बना दिए हैं झूठ मूठ का ही, तो देखिए झूठ मूठ का मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ये 27 अप्रैल वाला जो मैसेज है ना, ये सभी लोग देख करके अभी तक टेंशन में थे कि सर 27 को लास्ट डेट है और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो फॉर्म हम कब भरें, क्या हमारा फॉर्म छूट गया या कुछ भी। तो इसी कारण से हमने ये वीडियो बनाया है ताकि सभी स्टूडेंट तक सही जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि विद्यार्थी गूगल पर जा करके ये जानकारी मत ले कि कब उनका फॉर्म आ रहा है, कब क्या हो रहा है। आप यहाँ पर BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए और यहाँ से जो भी नोटिस आपको मिलता है वो ऑथेंटिक होता है, वही सच होगा। और अगर आप एग्ज़ाम की बात करें या फॉर्म की, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में कुछ भी है क्या, DCEC को रिगार्डिंग कुछ भी है नहीं है, जो भी था उसको भी हटा दिया। तो पहले प्रोस्पेक्टर्स आएगी 2022 की, उसके बाद जो है फॉर्म की नोटिस दी जाएगी। तो अभी तक प्रोस्पेक्टर्स भी नहीं आई है वेबसाइट पर, तो आप लोग जो है केवल अभी तैयारी में फोकस रखिए, जितना अधिक हो सके अच्छे से तैयारी कीजिए। बायोवर्ल्ड के साथ तैयारी करनी है तो आपको पता है कितनी फ़ी लग रही है, क्या सारी जानकारी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और भी कोई जानकारी हो तो वीडियो के कॉमेंट में लिखें, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।